अब किस लिए वीर पुरुष की प्रार्थना यहां करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। इंद्रस्येत्यस्य बृहस्पति ऋषि सविता देवता भृगष्टिश्छन्दः मध्यमः स्वरः। ओम इंद्रस्य व्रजोऽसि वाजस्त्वयायं वाजागुंसेत् वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहि यस्यामिदं विश्वं भुवनामाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्मसाविशत्। जैसे परमात्मा समस्त जीव जगत को धारण करता है और विश्व को उत्पन्न करके इंद्र के समान संग्राम के ऐश्वर्य में जो प्राण शक्ति पृथ्वी को धारण करती है उससे हमें पृथ्वी का सुख प्रदान करता है, ऐसे ही वीर पुरुषों को चाहिए कि राजा द्वारा संग्रामों में जिस विभाग में उसे नियुक्त करे वह उसी क्षेत्र में वज्र के समान शत्रुओं को काटने वाला हो और प्रजा की रक्षा करे। वीर पुरुषों का कर्तव्य है कि जिससे प्रजा सुरक्षित रहे और पृथ्वी सुखमय हो ऐसे संग्राम का नित्य प्रबंध करे। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हे मनुष्य, जो यह भूमि प्राणियों के सौभाग्य के लिए परमात्मा ने उत्पन्न की है और वही परमात्मा अदिति रूप होकर माता के समान रक्षा करता है, सबको धारण करने वाली प्राण शक्ति समस्त आध्यात्मिक जगत में प्रसिद्ध है, उसी आध्यात्मिक प्राणमयी शक्ति का सेवन करना चाहिए। जो राजा न्याय और धर्म के योग्य से राज्य को चलाता है उसी राज्य में प्रजा सुखी होती है।